Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Thank you.
धरती पर पेड़ पौधों का जन्म हुआ जो बढ़ते गए और घने जंगलों में बदल गए। घूम मकड़े आदि पंखहीन बतख एवं इक्टियोस्टेगा जैसे उभयचर प्राणियों का आविर्भाव हुआ। सरसृप जैसे स्तनपायी डायनोसॉर प्रकट हुए जिसकी पीठ पर नौका के पास एक अंग था जो ताप को नियंत्रित रखने में मदद करता है। सरसृप की तरह ही एक अन्य स्तनपायी प्राणी साइनोमिथस इन दिनों का भी प्रभाव प्राय 1 मीटर तक वाले अधिकांश कोयले ही कार्बोनिक वायरस युक्त के मृत पौधे से खंडित होने के कारण महादेश प्लेटों में हर चल होने से ज्वालामुखी के रूप में लावा निकलने लगी। ये प्राय 12 मीटर लंबा यानी 2 मंजिला मकान एक अनुमान के अनुसार एक पृथ्वी से जाना जिसके फलस्वरूप उत्पन्न धूल के विशाल हजारों लगभग 1 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। इस समय आदि मनुष्यों का भी आविर्भाव हुआ। पृथ्वी के लंबे इतिहास में जाके तो ऐसे कई मौके रहे हैं जब उत्तरी गोलार्ध के अधिकांश हिस्से बर्फ की चादरों से ढक इनमें से कुछ तो किधरे की तरह हल्के फुल्के थे और कुछ 15 पूर्ण वयस्क हाथियों जितने भारी थे। आसमान में धूमकेतु के आने से हमारे पूर्वज
हमेशा आतंकित होते थे। सन 1631 में जब विसुवियस पर्वत का शिखर ध्वस्त हुआ तो उसके जलते लावा से इटली के दो शहर बर्बाद हो गए। उस समय एक धूमकेतु दिखा और इस अजनबी घुसपैठिए को ही इस विनाश और विस्फोट का दोषी माना गया। 1665 ईस्वी में लंदन के लोगों ने प्लेग में हुई मौतों के लिए भी एक धूमकेतु को ही जिम्मेदार माना था। पहले लोग सोचते थे कि ऐसे धूमकेतु अशुभ होते हैं, किसी अनहोनी को जन्म देने वाले। आज हम जानते हैं कि धूमकेतु शुरू में सूर्य की परिक्रमा करने वाली बर्फीली चट्टानों के टुकड़े होते हैं, हमारे सौर मंडल के ग्रहों से काफी दूर। अगर इनमें से कोई सूर्य की गर्मी के नजदीक वाले परिक्रमा पथ में खींचा आता है तो बर्फीली सतह ठोस से गैस बन जाती है, पीछे छोड़ते हैं